गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर 6, जो कि बिहार एसआई मेंस, बिहार एसएससी मेंस और बिहार ईएसआई प्री के लिए चलाई जा रही है। इसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस देवता के लिए ऋग्वेदम पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र देवता को युद्ध एवं वर्षा का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2nd नंबर। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसे यूनान के लोग शिंडन, ऑप्शन नंबर 1 होगा, शिंडम के नाम से पुकारते थे। आगे देखेंगे 3rd नंबर। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिलन है, उसे कहते हैं, तो भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण को कहते हैं हम गंधार कैली, गंधार कला। इसको ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गंधार। आगे देखेंगे 4th नंबर। सारंगामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सारंगामी प्रथा मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। मराठा जागीरदारों को सरगामी भूमि उनके जीवन निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो यह मराठा भूराजस्व व्यवस्था इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 5th नंबर। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में, या ईस्वी होगा, ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो यह औरंगजेब के कहने पर इन्होंने ऐसा किया था, और 1686 यह औरंगजेब का ही कार्यकाल है, इसके लिए इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो दारा सिकोह शाहजहां के पुत्र थे। दारा सिकोह कौन थे? शाहजहां के पुत्र थे, और इन्होंने कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। कादरी सिलसिले के संस्थापक सैयद अब्दुल कादी थे। इनको संतों का प्रधान एवं मददगार संत की उपाधि भी मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर। चीन के प्रयासों के कारण, चीन नहीं होगा, किनके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई? इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने ही 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ को ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिया था। कब निकाले थे? 1865 ईस्वी में इन्होंने देवेंद्रनाथ को ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिए थे। आगे देखेंगे 8th नंबर। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, और दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा सितंबर 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया था। आगे देखेंगे 9th नंबर। 9th नंबर देखेंगे, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है, बाकी यमुना, गंगा, सरस्वती, इस तीनों नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन था? तो सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी था, और दूसरे स्थान पर था सरस्वती नदी, जो कि राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में विलुप्त हो गई है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 108 सूक्त है एवं 1028 श्लोक है। इसको याद रखिएगा, 10 मंडल, 108 सूक्त एवं 1028 श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर। कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा है?
यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, या क्या है? कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अर्धवायु, क्या है? अर्धवायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था, तो दक्षिण भारत की महाजनपद का नाम है अस्मक जनपद, जिसकी राजधानी पोटली थी, और यह जनपद गोदावरी नदी के दक्षिण क्षेत्र में स्थित था। तो अस्मक एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। कंबोज, तो कंबोज की राजधानी थी हाटक, जो कि यूपी में है। थर्ड ऑप्शन है सुरसेन की राजधानी मथुरा में थी, ये भी यूपी में है। टोटल 16 महाजनपद थे, और इस जनपद का उद्भव कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनका उदय हुआ था, और इसकी सूचना हमें बौद्ध साहित्य के अंगूतर निकाय तथा जैन साहित्य के भगवती सूत्र से हमें मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, आधुनिक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी सम्राट अशोक। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक महान शासक थे। इनका कार्यकाल 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व था। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी यह बन गए, अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए कलिंग युद्ध के बाद, और अहिंसा का सिद्धांत को अपनाया, और इन्होंने उपगुप्त से दीक्षित ली। किन से? इनके गुरु थे उपगुप्त, उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, तबकाते ए नसरी के लेखक कौन है? तो तबकाते ए नसरी का लेखक इनमें से कोई नहीं है। इनका लेखक का नाम है मिनहास उस सिराज। क्या नाम है? मिनहास उस सिराज इनके लेखक का नाम है, और इस पुस्तक में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। आगे देखेंगे 14 नंबर, चालीस सरदारों का एक गुट, यहाँ गुट होगा, एक गुट किसने बनवाया था? तो 40 सरदारों का गुट बनवाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल है 1211 से 36, और 40 सरदारों का एक गुट को क्या कहते हैं? इसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने ही एकता प्रणाली को अपनाया था। सेकंड ऑप्शन है अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन का कार्यकाल है 1296 से 1316, और इनके समय का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि बाजार व्यवस्था। इनके समय का सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है? बाजार व्यवस्था। सी नंबर ऑप्शन है कुतुबद्दीन ऐबक, इनका कार्यकाल है 1206 से 10। कुतुबद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है इन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया? तो इन्होंने 1942 ईस्वी में महाधिवक्ता के पद से त्याग दिया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी में पारित किया था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को
भारत छोड़ो प्रस्ताव आया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी इसी समय दिया था दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर। 1960 ईस्वी में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को ये सजा दी गई थी। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग संबंधित है। तो कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। 19 नंबर देखेंगे, यंग इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो यंग इंडिया के संस्थापक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में अहमदाबाद में यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक थे और यह पत्र लिखी गई थी इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इसकी यंग इंडिया का क्या थी लैंग्वेज? इंग्लिश थी। सी नंबर ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का समाचार पत्र का क्या नाम है? इंडिपेंडेंस। डी नंबर ऑप्शन है एमजी रानाडे। एमजी रानाडे के समाचार पत्र का नाम है हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने दिल्ली में 1928 ईस्वी में इस संगठन की स्थापना किए थे। भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना किए थे 1926 ईस्वी में लाहौर में। कब किए थे? 1926 ईस्वी में लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह किए थे। सी नंबर ऑप्शन बीडी सावरकर। तो ये हम सब लोग जानते हैं अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर किए थे। कब किए थे? 1904 ईस्वी में पुणे में। 1904 ईस्वी में पुणे में अभिनव भारत की स्थापना किए थे बीडी सावरकर। आगे देखेंगे 21 नंबर, सर्वाधिक छोटा सीमा वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक छोटा सीमा वाला देश का नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कनाडा। कनाडा सर्वाधिक बड़ी सीमा वाला देश है। सर्वाधिक छोटा सीमा वाला देश जिब्राल्टर एवं सर्वाधिक बड़ी वाला कनाडा। जापान की राजधानी टोक्यो है जो कि सबसे आबादी वाला शहर है। सबसे आबादी वाला कहाँ है? जापान। सिंगापुर, तो सिंगापुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में ही है। आगे देखेंगे 22 नंबर, शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है ओलिव की शाखा। कमल का फूल, तो यह है प्रतीक क्या है? संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है कमल का फूल। आगे देखेंगे 23 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा लंदन। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। जिनेवा में गैट का मुख्यालय है। मनीला में एडीबी एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय है और जकार्ता में एशियन का मुख्यालय जकार्ता में है। आगे देखेंगे 24 नंबर, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना दिवस 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, डच महल पर्यटन स्थल स्थित है। तो डच महल कहाँ है? केरल के कोचीन में डच महल स्थित है। श्रीनगर में क्या है? तो श्रीनगर में शालीमार बाग है श्रीनगर में स्थित। चेन्नई में क्या है? तो सेंट जॉर्ज किला। अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, श्रीनगर में शालीमार बाग स्थित है, चेन्नई में सेंट जॉर्ज किला स्थित है। बूंदी कहाँ है? तो राजस्थान का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
इंडियन सिक्योरिटी प्रेस शोध संस्थान स्थित है। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस संस्थान है स्थित पुणे में। मुंबई फर्स्ट ऑप्शन है, मुंबई। मुंबई में क्या है? तो मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। कोलकाता में केंद्रीय काच अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। आगे देखेंगे 27 नंबर। जापान का राष्ट्रीय खेल है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जुडो। तीरंदाजी, ए नंबर ऑप्शन तीरंदाजी, जो कि भूटान की राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट, क्रिकेट इंग्लैंड की राष्ट्रीय खेल है, हम सब जानते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल फ्रांस और रूस, फ्रांस और रूस की राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 है। आगे देखेंगे 28 नंबर। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। डी नंबर आंसर होगा, गोल्फ से। पोलो से क्या संबंधित है? पोलो से राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। हॉकी से क्या है? तो हॉकी से याद रखिएगा रंगा स्वामी, आगा खा, बेटन कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। आगे देखेंगे 29 नंबर। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ का और अन्य नृत्य है जैसे कि घंटा मर्दाला, ये भी यहाँ का लोक नृत्य है। मोहनी अट्टम, ये सब आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड का है कजरी, रासलीला, ये सब उत्तराखंड की है। ओडिशा, ओडिशा की है ओडिसी। ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा का है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है लावनी, तमाशा, ये सब महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। आगे देखेंगे 30 नंबर। डो जोन्स शेयर मूल सूचकांक है, तो डो जोन्स न्यूयॉर्क का शेयर मूल सूचकांक है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल सूचकांक है। मुंबई का क्या है? तो मुंबई का हम लोग याद रखेंगे सेंसेक्स, निफ्टी 50, डोलेक्स, ये सब मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज है। सिंगापुर का, तो सिंगापुर का क्या नाम है? सीमैक्स, सीमैक्स स्टॉक एक्सचेंज सिंगापुर का है। आगे देखेंगे 31 नंबर। नरसिम्हम समिति संबंधित है, तो नरसिम्हम समिति वित्तीय प्रणाली से संबंधित है। आय वितरण, तो आय वितरण किससे संबंधित है? महालनोबिस समिति से, महालनोबिस समिति से आय वितरण संबंधित है। कृषि शाख, यह क्या है? खुसरो समिति, खुसरो समिति कृषि शाख से संबंधित है। 32 नंबर। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, तो भुगतान संतुलन में ये तीनों ऑप्शन सम्मिलित होता है। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, इसमें दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण तीनों सम्मिलित होता है। 33 नंबर। अमर्त्य सेन का संबंध किस प्रकार के अर्थशास्त्र से है? तो अमर्त्य सेन का संबंध है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से। इनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। आगे देखेंगे 34 नंबर। भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। 35 नंबर। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर, ए नंबर ऑप्शन होगा जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और यह जल संधि अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। 36 नंबर।
निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया विली बिली। ऑस्ट्रेलिया की चक्रवाती तूफान का नाम है विली बिली। विली बिली बिल्कुल सही है। अमेरिका का हरिकेन बिल्कुल सही है। चीन का चक्रवात नहीं है, यहाँ के हवाएं को कहते हैं टाइफून। जो चक्रवाती हवाएं आती हैं इसको क्या कहते हैं? चीन का टाइफून। और चक्रवात भारत के हवाओं को चक्रवात कहते हैं। फिलीपींस का बागियो, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सी सुमेलित नहीं है? तो सी नंबर सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। आगे देखेंगे 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, तो यही सही ऑप्शन है। सबसे अधिक गर्म स्थान है सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा, तो अत्यधिक ठंडा इसमें क्या होगा? अंटार्कटिका, इसका डी सही आंसर होगा अंटार्कटिका, ये सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक सूखा, तो सर्वाधिक सूखा क्या है? चिली। चिली सर्वाधिक सूखा स्थल है। सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए, यही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, सही सुमेलित है समुद्री बंदरगाह, इधर समुद्री बंदरगाह है एवं इधर राज्य है। नहावा सेवा, तो नहावा सेवा उड़ीसा का समुद्री बंदरगाह नहीं है। नहावा सेवा कहाँ का है? महाराष्ट्र का पारादीप, ये भी गलत है ऑप्शन। पारादीप उड़ीसा में है। काकीनाडा, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। काकीनाडा समुद्री बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। तुतीकोरिन गुजरात का नहीं है, तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। गुजरात में है कांडला बंदरगाह, गुजरात में है। तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो इस तरह से सही सुमेलित है कौन सा? सी नंबर, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 39 नंबर, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? इसका सही आंसर होगा शिव समुद्रम बांध सिंचाई के लिए नहीं है। शिव समुद्रम बांध का निर्माण कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह कावेरी नदी पर है। कहाँ है? कर्नाटक में। बाकी और तीनों बांध सिंचाई के लिए उपयुक्त है। आगे देखेंगे 40 नंबर, निम्न में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे 41 नंबर, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधित करके दिया गया है, वह है। तो कौन से भारतीय संविधान में संशोधित करके दिया गया है आरक्षण? तो यह 1992 का 73वां संविधान संशोधन में संशोधित करके यह दिया गया है। अनुच्छेद 243 के घ के तहत पंचायतों के सभी स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। कितना किया गया है? 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे 42 नंबर, कामराज योजना का उद्देश्य था? तो कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, ऑप्शन सी होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। 1963 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज द्वारा कामराज योजना तैयार किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? के कामराज द्वारा 1963 ईस्वी में यह योजना तैयार किया गया था।
आगे देखेंगे 43 नंबर, केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसके सिफारिश पर होता है? तो ये हमेशा वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा होता है, और यह संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेख है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। आगे देखेंगे 44 नंबर, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन भाग ले सकता है? यह भारत का महान्यायवादी, यह भाग ले सकता है किसी भी संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन अनुच्छेद 88 के तहत किसी भी संसद के किसी भी सदन में इनको मत देने का अधिकार नहीं है। यह भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, निम्न में से किसे Google पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शिखा शर्मा को नई सलाहकार नियुक्त किया गया है। शिखा शर्मा पहले एक्सिस बैंक की पूर्व CEO थी, एक्सिस बैंक की क्या थी? पूर्व CEO। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है, जो कि अमेजन पेटीएम की तरह ही UPI की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो मणिपुर के काले चावल, जिसे हम चाक हायो, मणिपुर में क्या कहते हैं? चाक हायो के नाम से भी जानते हैं, काले चावल या चाक हायो को GI का टैग दिया गया है। गोरखपुर के टेरा कोटा को भी GI का टैग दिया गया है। आगे देखेंगे 47 नंबर, किस राज्य ने अपनी पहली COVID-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो सबसे पहले COVID-19 के लिए परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में ही हाल में ही डेपोरेजो नामक पुल का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई 430 किलोमीटर है। यहाँ के वर्तमान CM कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान CM है पेमा खांडू। आगे देखेंगे 48 नंबर, जून 2020 में होने वाले G7 सम्मेलन को किस माह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यह सितंबर तक, इसका सही आंसर होगा सितंबर तक इसे स्थगित कर दिया गया है। G7 की बात करें तो G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। इसमें से कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें टोटल 7 देश शामिल हैं, जिनमें है अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली G7 में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, किस देश ने WH से सदस्यता रद्द कर दी है? तो यह अमेरिका ने WHO से सदस्यता रद्द कर दी है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1948 ईस्वी में स्थापना हुई थी। WHO के हेडक्वार्टर है जेनेवा। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये याद रखना बहुत जरूरी है, वर्तमान अध्यक्ष तो क्या, टेड्रोस एड्रेनोम इनका वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, देश के पहले राष्ट्रीय AI पोर्टल निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है? तो पहले AI पोर्टल शुरू किए हैं रविशंकर प्रसाद, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, रविशंकर प्रसाद, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री एवं कानून मंत्री भी रविशंकर प्रसाद है। यह पोर्टल भारत में AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित डेवलप करने के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या है इसका नाम? वन स्टॉप, ये पोर्टल डेवलप करने के लिए इन्होंने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होता है,
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।